टू माय चैनल स्टाइलिंग निशा। आज की वीडियो में आपके साथ मैं purple.com से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने purple.com से ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेकअप के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर भी है और हेयर केयर भी है। मेरे पास बॉयज़ के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे लिए भी आप कुछ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप बॉयज़ हैं, आपको अपनी स्किन का और हेयर्स का डेफिनेटली ख्याल रखना आपका भी हक बनता है उतना ही जितना हम गर्ल्स का बनता है। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और ये वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है सब कुछ बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। शेयर कर रही हूँ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किए हैं ना, ये आपको मेरे हॉल में मिल जाएंगे। मेरे हॉल से आप परचेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ उतना ही है, साइट पे उतना ही आपसे लिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाएगी। जस्ट ये है कि आप मेरे लिंक से परचेस करें। ओके, सो ये सब मैंने अपने हॉल में ऐड किए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसमें ब्लू कलर से एक लिंक होगा माय हॉल स्टोर का, उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से वो हॉल ओपन होगा। विजिट माय होम पेज पे जाके आपको स्किन केयर के सेक्शन में सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स और मेकअप के सेक्शन में सारा मेकअप आपको मिल जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, तो एक के बाद एक प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो उनको निपटाना जल्दी ज़रूरी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के। अच्छा, इसमें स्किन केयर है, हेयर केयर है, तो सबसे पहले हम हेयर से स्टार्ट करते हैं। इस मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, क्योंकि सीज़न अब चेंज हो रहा है, विंटर्स की तरफ जा रहा है, तो हेयर फॉल इतना हो रहा है, बालों में एकदम रफनेस हो चुकी है, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिनको डैंड्रफ का भी इशू हो रहा है, क्योंकि दोस्तों डैंड्रफ की वजह से ना बहुत बाल टूटते हैं, आप नोटिस करना। फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, ये है वाव ब्रांड का ओनियन हेयर ऑयल। सो ये ओनियन ब्लैक सीड्स हेयर ऑयल है। आपने हमारे अपनी किचन में देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का मसाला सा होता है जिसे हम कलौंजी कहते हैं, तो वो हम जिसको हम अचार वगैरह में भी डालते हैं, तो आप देख सकते हैं उसी का बना हुआ है, क्योंकि वो ओनियन सीड्स होते हैं और ओनियन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप ओनियन मास्क लगाते हैं, स्पा लेते हैं, या शैम्पू या ऑयल कुछ भी यूज़ करते हैं, ओनियन हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसी का ये बना हुआ है। तो इसमें लिखा है ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है और सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर्स आपको देगा, तो बालों को सॉफ्ट भी करेगा, सिल्की बनाएगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो इसमें कोई भी मिनरल नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसको इनहेल करके देखेंगे ना जब आप परचेज करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्लैक सीड्स की ही इसमें स्मेल आएगी। सो इस तरह की ये कुछ बॉटल है, इस तरह की ये बॉटल है, तो ये 200 ml आपको क्वांटिटी मिल जाएगी और इसका प्राइस 599 rupees है। आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है और इसको मैंने अभी तक 3 बार यूज़ करके देखा है और हेयर फॉल मुझे डेफिनेटली सच में फील हो रहा है कि मेरा कम हुआ है, पूरा गया नहीं है, बिकॉज 3 वॉश में इतनी जल्दी नहीं जाएगा, बट फिर भी मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सेकेंड प्रोडक्ट है वाव ब्रांड का ये शैम्पू है, ये भी ओनियन ब्लैक सीड्स का ही शैम्पू है और इसमें भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन और आर्टिफिशियल कलर या फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है पूरी तरीके से, तो बिल्कुल भी आपको स्कैल्प में कोई इरिटेशन नहीं होगी और ये नेचुरल एक्टिव से बना हुआ है। ये आपके बालों को स्ट्रेंथ करेगा, सॉफ्ट करेगा और शाइन जो लॉस्ट हो गई है, बिल्कुल रफ बाल हो गए, तो आपकी शाइन को भी ये रीस्टोर करेगा। इसकी क्वांटिटी 300 ml है और ये 499 rupees का है, डिस्काउंटेड प्राइस स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगी। सो इसका अगर पर्सनल रिव्यू दूँ ना, मैंने इसको
अभी तक 3-4 बार यूज़ किया है और मुझे इसका रिजल्ट बहुत पसंद आया। आप अगर एक बार ट्राई करते हैं ना, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। सो बॉयज़, आप भी इसको ट्राई कर सकते, तो ट्राई करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। थर्ड प्रोडक्ट है मेरे पास, ये छोटा सा प्रोडक्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। तो ये पीएच बैलेंस्ड है, वाव का कंडीशनर है ये ओनियन का ही। तो ओनियन की जितनी भी रेंज है ना, आप एक बार आँख बंद करके ट्राई कर सकते हो, आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगे। तो ये भी आपके बालों को रीस्टोर करेगा, शाइन को टूटने से बचाएगा और सॉफ्ट भी बनाएगा। 30 ml इसकी क्वांटिटी है, 99 rupees इसका प्राइस है। मैन्युफैक्चरिंग डेट 2020 टू एक्सपायरी डेट 2022 है। इसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखूंगी तो ज़रूर आपके साथ किसी भी वीडियो में छोटा सा रिव्यू शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक और मेरे पास वाव का ही प्रोडक्ट है और ये है एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। सो मैं फर्स्ट टाइम विनेगर शैम्पू यूज़ करूँगी, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये एज इट इज सील है, यूज़ नहीं किया है। यूज़ करके देखूँगी तो रिव्यू आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा भी था कि विनेगर अच्छा होता है बालों के लिए, तो देखूँगी अगर मैं यूज़ करती हूँ तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। 30 ml इसकी क्वान्टिटी है एंड इसका भी प्राइस 99 rupees है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास गुड वाइब्स का ये फेशियल है, ये डायमंड फेशियल है। अगर आपको अपने स्किन को थोड़ा पॉलिश करना है, अगर आप नहीं जानते किस तरह से होता है, तो डायरेक्ट आप फेशियल परचेज कर सकते हैं। ये वाला ये डायमंड फेशियल है स्किन पॉलिशिंग के लिए। इसमें आपको 40 g की क्वांटिटी मिल रही है, 4 tubes है इसमें, यानी 4 steps का ये फेशियल है और 10 g ईच ट्यूब में है, ये ट्यूब फॉर्म में, तो 10 g की एक ट्यूब है। यहाँ पे आपको सारी डायरेक्शंस मिल जाएंगी किस तरह से ये यूज़ करना है। तो बेस्ट थिंग है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, यहाँ पे पीछे मेंशन है इसके कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, तो इसका रिव्यू आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास गुड वाइब्स का एलोवेरा सूदिंग बॉडी लोशन है। सो इसमें SPF भी है, UVA रेज और UVB रेज से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें PA++ भी है और ये इसकी जो नेट वॉल्यूम है 120 ml है। इसमें कोई भी पैरामिड्स नहीं है, सल्फेट नहीं है, ये क्रूल्टी फ्री है, यानी हमारे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं इन पे कोई अत्याचार नहीं किया गया है। सो ये बेस्ट थिंग है इसकी। इसमें जितने भी की इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे आपको मेंशन करे हुए हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2019 से 2021 तक है और इसे कोई भी स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये गुड वाइब्स की रोज हिप क्रीम है, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। और ये रोज हिप मॉइस्चराइज रिच फेस क्रीम है, नेट क्वांटिटी इसकी 50 g है। इसमें पैराबेन सल्फेट कुछ भी नहीं है और ये क्रूल्टी फ्री है, आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। 225 rupees इसकी MRP है। और अगर मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाऊँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने वाली है। लाइक ये बहुत ज़्यादा रनिंग में नहीं है, आप देख सकते हैं इसकी जो टेक्स्चर है, देखो बहुत जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब होने वाली है। और ये आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं या पिंपल्स भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम है, ये फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ड्राई है और बहुत ज़्यादा डल लग रही है, अगर आपको इसको ये सीरम को एक बार नाइट में अप्लाई ज़रूर करके देखिए। इसकी जो नेट वॉल्यूम है 10 ml है, इसमें भी कोई पैराबेंस नहीं है, क्रूल्टी फ्री है और इसकी MRP 215 rupees है। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस देता है, जितनी भी अनइवन स्किन टोन है उसको इवन करेगा और आपकी स्किन को ग्लो भी देगा। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, तो आपको इसके साथ ये ड्रॉपर भी मिलेगा और इस तरह से ये सीरम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है विट सिट्रस का ये ऑरेंज सीरम। इसमें ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स है, विटामिन सी एंड विटामिन B3 की इसमें गुडनेस है और ये स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं पूरे दिन, अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करेंगे पूरे दिन के लिए, आपके फेस पे बहुत अच्छा नेचुरल सा ग्लो रहेगा। 10 ml इसकी क्वांटिटी है, 199 rupees इसका प्राइस है। नेक्स्ट मेरे पास कुछ मेकअप के आइटम्स हैं।
तो फर्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। इसकी जो MRP है 499 रुपीज़ है। इसमें मेरी शेड है लाइट मीडियम बीच, तो जिनकी स्किन टोन इस तरह से मेरी जैसी दिखती है आप इस वाली शेड को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिल रही है 8.5 ml है। बेस्ट पार्ट है कि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और इसमें खास चीज़ है कि आपको इसको फोटो फ्लैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं और फ्लैश में कोई भी पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो फोटो फ्लैशबैक जो अलग से एक वाइट चेहरा सा चमकता है ना वैसे नहीं होगा, तो फोटो फ्लैशबैक की भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसको ट्राई करके देखा है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन मेरे पास फैट एंड वाइल्ड का ये फाउंडेशन है। बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू शेयर किया है, सो मैंने परचेज अभी किया है तो इसलिए अभी शेयर कर रही हूँ। तो इसकी जो नेट क्वांटिटी है 30 ml है। इसका जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ है MRP। इसमें मेरी शेड है न्यूड आइवरी। इसमें क्वांटिटी है 30 ml आपको मिलेगी और जो MRP है 599 रुपीज़ है। ये फाउंडेशन भी आपको फोटो फ्लैशबैक बिल्कुल भी नहीं दे। इसके साथ ये फाउंडेशन बिल्कुल वाटरप्रूफ है, सो अगर आप इसको समर्स में भी वेयर करते हैं ना तो ये बिल्कुल भी तस से मस नहीं होगा। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है। बहुत लोग इसका रिव्यू शेयर करते हैं सो मैंने एक बार इसको ट्राई करना ही करना था बिल्कुल किसी भी हालत में। तो इसमें मेरी शेड है क्लासिक आइवरी 120। इसमें 30 ml आपको क्वांटिटी मिलेगी। इसकी MRP 750 रुपीज़ है और इसको आप 2023 तक यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट थिंग क्या है कि ये बहुत अच्छी कवरेज आपको देता है, लाइक हाई कवरेज आपको देगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह नज़र ना आए, अच्छा वाला फाउंडेशन चाहते हैं, एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये मैट फाउंडेशन है, आराम से ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये दो कंसीलर प्लस फाउंडेशन स्टिक्स है। ये NYB की है। इसमें येलो अंडरटोन में भी है मेरे पास, पिंक अंडरटोन में भी है। सो फर्स्ट मैं आपके साथ येलो अंडरटोन शेयर कर रही हूँ। ये है शेड नंबर 2 क्रीम बीज। और ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। सो ये स्टिक फाउंडेशन है इस तरह का, यहाँ पे NYB मेंशन है। और ये कुछ इस तरह की स्टिक और लिपस्टिक जैसी फॉर्म में है। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, इसकी कवरेज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप इसको एज फाउंडेशन या कंसीलर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कवरेज अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी MRP 175 रुपीज़ है। नेक्स्ट मेरे पास अगेन एक और NYB की ये स्टिक है। इसमें मेरी शेड है न्यूट्रल, ये शेड नंबर 1 है। ये पिंक अंडरटोन में आती है और इसकी भी MRP 175 रुपीज़ है। 3.8 ग्राम आपको इसमें क्वांटिटी मिल जाएगी, कुछ इस तरह से है। बहुत अच्छी, अगर आपको एक हाइलाइटिंग के लिए शेड चाहिए ना, इस वाले फाउंडेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ब्लेंड भी इजीली हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा, थोड़ा क्रीमी सा है तो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इसको। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये NYB की लिक्विड लिपस्टिक है। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और इसमें मेरी शेड है सिटकॉम स्पेशल, 12 नंबर ये शेड है। और ये जो शेड है ना, ये बहुत एक पिंक और पर्पल मिक्स है, तो काफ़ी अच्छी ये शेड मुझे लगी। और ये वाली इसका प्राइस जो है 195 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे लिक्विड लिपस्टिक। और इसमें यहाँ पे डोफू एप्लीकेटर मिल जाएगा आपको, सो बहुत इजी है आपको अपने लिप्स पे अप्लाई करने में। सो ओवरऑल लिपस्टिक मुझे अच्छी लगी, बट थोड़ा सा इसको लगाने के बाद आपको लग सकता है कि आपके लिप्स थोड़ा चैप हो रहे हैं। तो अगर आपके लिप्स ड्राई है तो कुछ ऑयल बेस या फिर कोई भी एक लिप बाम आप इसको अप्लाई करने से पहले वेयर कर सकते हैं अपने लिप्स पे, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हेल्पफुल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑल के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। Bye guys!